लिनोवो का योगा मॉडल हमारे पास स्टूडियो के अंदर आ चुका है। तो हमें बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि लिनोवो का जो योगा मॉडल है उसका आप रिव्यू दें, तो हमने वो आज स्टूडियो में मंगा लिया है। और कलर जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि स्लेट ग्रे कलर है, हमने इसके साथ मैचिंग की है, ये मेरा फेवरेट कलर है। तो पावर्ड बाय इंटेल कोर i7 11 जनरेशन 1165 G7 प्रोसेसर का नाम है और हमें मिलता है इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन के साथ। तो आई थिंक टाइम वेस्ट किए बगैर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और एक मिनट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से पहले कर लो, क्योंकि इससे अगली वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। तो जब मैं इसको उठाता हूं तो मुझे महसूस होता है कि यार इसका वेट बहुत ही लाइट वेट है ये और कॉम्पैक्ट है। उसकी रीजन क्या हो सकती है कि इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है फ्रंट बैक, और इसका जो वेट है 1.43 केजी का वेट आ जाता है हमारे पास। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके डिजाइन के ऊपर, मैं इसकी बात करता हूँ इसकी ब्रांडिंग के ऊपर। तो हम देखते हैं यहाँ लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर लिखा हुआ योगा, और यार ये योगा नाम मुझे लगता है उन्होंने ऐसे नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगता है एक्चुअली में योगा कर सकता है भाई, इसके इतने ज़्यादा मोड्स हैं, ये लैपटॉप बन जाता है, ये पूरा टर्न हो के भाई जी ये वो बन जाता है, टेंट बन जाता है, ये टैबलेट बन जाता है, और ये पता नहीं क्या क्या बन जाता है भाई, ये इस वजह से इन्होंने नाम रखा है योगा। तो योगा यहाँ पे इन्होंने बड़ा मज़ेदार तरीके से जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है उसके बाद बिल्कुल खाली आ जाता है ये, और यहाँ पे राइट पे हमारे पास लिखा आ जाता है लिनोवो। तो इसके बाद मैं आ जाता हूँ इसकी साइज के ऊपर। यहाँ पे जब मैं राइट साइड पे देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है बटन, यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन आ जाता है नज़र। उसके बाद मुझे यहाँ पे भाई USB पोर्ट मिलती है जो कि हमेशा ऑन रहने वाली है। हाँ जी, ऑलवेज ऑन फीचर, आपका लैपटॉप बंद है ये ऑन है, ये सारा टाइम चलने वाली है, आप इससे कनेक्ट करके अपना चार्ज कर सकते हैं फोन जो मर्जी करेंगे, हमेशा ऑन रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली। उसके बाद जब मैं साइड पे आता हूँ तो हमें यहाँ पे मिलता है थंडरबोल्ट की दो पोर्ट्स मिलती हैं, इसमें आप एक चार्जिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉप की, और एक और हमें पोर्ट मिलती है जिसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। वर्सेटाइल कनेक्टिविटी का हमें फीचर मिलता है यहाँ पे, सी टाइप दोनों पोर्ट्स यहाँ पे मिलती हैं, और एक हमें मिलता है माइक्रोफोन एयरफोन का 3.5 mm का कॉम्बो जैक। उसके बाद जब मैं देखता हूँ तो यहाँ लिखा रहता है योगा 7 सीरीज। तो यार बड़ा प्रीमियम लुक है इसका और लाइट वेट भी है। अब आई थिंक इसको ओपन करते हैं, उसके जाते हैं अगले फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले जब भाई लोग मैं इसको खोलता हूं तो मुझे नजर आता है इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले हमें मिलता है इसका 14 इंचेस का IPS डिस्प्ले मिलता है, ठीक है, और इसके अंदर रेजोल्यूशन हमें मिलती है FHD यानी फुल HD मिलती है 1920x2018। और स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करूं तो इन्होंने ड्रैगन टेल ग्लास लगाया उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले बहुत ही स्मूथ है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर डिस्प्ले के हवाले से तो हमें ब्राइटनेस मिलती है 300 nits की। अब मैं बात करूंगा इसके मल्टीमीडिया फीचर्स के बारे में, यानी ऑडियो के बारे में, इसके स्पीकर्स के बारे में और कैमरा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। यार ये 2 हमें फ्रंट फायर बोले तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो है वो हमें 2 volt के मिलते हैं, ऑप्टिमाइज्ड बाय डॉल्बी एटमॉस लिखा भी हुआ है। स्टीरियो स्पीकर्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यार इसके ऑडियो की तो HD ऑडियो में मिल जाती है, और अगर मैं बात करूँ इसके कैमरा की तो 1.0 megapixel का हमें कैमरा मिलता है प्राइवेसी शटर और फिक्स्ड फोकस के साथ। अगर ट्रैको पैड की मैं बात करूँ तो डिसेंट साइज का यहाँ पे हमें मिलता है ट्रैको पैड जो कि मल्टी टच है और जेस्टर सपोर्ट के साथ हमें मिलता है। अब मैं बात करने वाला हूं इसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यानी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो आपको बताता चलूं कि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 11th जनरेशन 1165 G7 उसका नाम है, ठीक है, और ये 2 वेरिएंट में आता है कोर i5 कोर i7। तो कोर i5 में जो हमें चीजें मिलती है और कोर i7 में जो मिलती है वो मैं थोड़ा सा बताता चलूं आपको, उसमें खासा है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ज्यादा फर्क है। हमें उसमें मिलते हैं 4 cores मिलते हैं, 8 threads मिलती हैं जो कि दोनों में सेम है, और हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो बेसिक फर्क आ जाता है, कोर i5 के अंदर फ्रीक्वेंसी है 2.4 GHz बेस फ्रीक्वेंसी और मैक्स फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है 4.2 GHz, और कोर i7 जो हमारे पास है इसकी हमें बेस फ्रीक्वेंसी मिलती है जी 2.8 GHz और मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें 4.7 GHz। और मैं अगर साथ ही साथ ग्राफिक्स की बात करता चलूँ तो ग्राफिक्स हमें मिलते हैं आयरिस XE
इंटेल के ग्राफिक्स हमें मिलते हैं। तो स्टोरेज की अगर मैं बात करता चलू तो हमारे पास यहाँ पे कोर i7 है जिसके अंदर हमें रैम मिलती है 16GB DDR4 विद 3200 MHz फ्रीक्वेंसी और हमें SSD मिलती है 512GB M.2 SSD मिलती है। तो इसका मतलब क्या कि भाई लोग आप जितने मर्जी हैवी सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करें, वीडियो एडिटिंग करें, कोई फोटोशॉप टाइप कोई हैवी 3D सॉफ्टवेयर है वो भी बड़े स्मूथ चलने वाले हैं इसके ऊपर। और एक और बात बताऊं कि इसके अंदर गेम्स भी बहुत हैवी और स्मूथली चलती है, हमने वो खेल के देखी थी, मेरा याद नहीं आ रहा कौन सी तुम्हें GTA 5 हमने खेल के देखी है। इसके ऊपर एक और थी कोई नोटा करके कोई फायरिंग वाली थी, बड़ी हैवी और स्मूथ गेम्स इसके ऊपर चली हैं। तो यार ये मजेदार किस्म का होने वाला और अच्छा प्रोसेसर है इसका। तो इंटेल ईवो सर्टिफाइड के कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को बताता चलूं। इसमें हमें मिलता है वाईफाई 6 सपोर्ट मिलता है जिससे अच्छी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड हमें मिल जाती है। इसके अंदर हमें भाई ब्लूटूथ मिलता है 5.0 जिसमें आप कुछ भी देख रहे हैं अपने आप हेडफोन के साथ कनेक्ट करके डायरेक्टली उसके अंदर सुन सकते हैं। उसके बाद हमें मिलता है इंस्टेंट वेक फ्रॉम स्लीप का हमें फीचर एक मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर हमें यहाँ पे मिल जाता है और उसके साथ ही साथ हमें थंडरबोल्ट 4 की 2 USB पोर्ट मिलती है सी टाइप जिसके अंदर वर्सेटाइल कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है लैपटॉप के अंदर वो बैटरी भी माना जाता है। तो बैटरी हमें मिलती है ली पॉलीमर की 71 वॉट आवर की बैटरी हमें मिल जाती है। और अगर हम इसको टेस्ट करें 1080p पे कोई वीडियो हम प्ले करते हैं जिसमें हम उसकी ब्राइटनेस रखें 150 nits तो ये कम से कम 18 आवर जो वो बड़े आराम से निकाल लेगी। और अगर आप इसको 15 मिनट के लिए चार्ज करते हैं तो 3 घंटे आपका लैपटॉप बड़े आराम से निकालने वाला है। और इसको टेस्ट किया गया मोबाइल मार्क एक सॉफ्टवेयर है 2014 एंड 2018 वर्जन, जब इन दोनों पे टेस्ट किया गया 1080p की वीडियो चला के प्लेबैक पे उसका एवरेज टाइम आ रहा था वो 2014 के ऊपर आ रहा था 16.5 आवर्स और हमारे पास 2018 वाले वर्जन के ऊपर आ रहा था 12.3 आवर्स। और साथ ही साथ कुछ चीज़ों के बारे में बताता चलो जो हमें शुरू पे नहीं बताई यहाँ पे। इसके साथ एक पेन भी आता है जिसकी बैटरी लाइफ 12 मंथ है, इसके साथ 65 वॉल्ट का अडेप्टर आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ हमें मिलती है वो टाइप सी का डोंगल मिलता है यानी कन्वर्टर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक ही पोर्ट दी हुई है, हमें HDMI पोर्ट नहीं दी, तो इन्होंने साथ एक कन्वर्टर दिया है टाइप सी का जिससे आप मल्टीपल जो है वो चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। तो सारे फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, वो है इसकी प्राइस। हाँ जी वो मैं आपको मतलब खुद बता नहीं पा रहा हूँ, मेरा यही है कि आप मतलब मुझे माने ना लग जाएं कि मुझे लग रहा है ज़्यादा है शायद या कम, आई डोंट नो, मेरा ख्याल आप खुद ही पढ़ लें, यहाँ पे हमने प्राइस आपको दिखा दी है। और इसके बाद मैं करूँगा यार वीडियो को एंड, और मुझे बहुत बेहतरीन लगा ये लैपटॉप, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं वीडियो एडिटिंग गेमिंग का जिनसे ताल्लुक है और जिनका हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है, प्रीमियम क्वालिटी का हमारे पास ये लैपटॉप है और लाइट वेट बेहतरीन है। आई वुड से कि हम यहाँ पे लिंक जो है वो नीचे दे रहे हैं, आप जाके बाय कर सकते हैं जिसने भी बाय करना है। और इसके साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना और एक मिनट घंटी के आइकन को लाजमी दबाना क्योंकि हर आने वाली ऐसी मुफीद वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसको दबाना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।